हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। चलिए आज आपको लेके चलते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगल, अमेज़न जंगल में। अमेज़न जंगल का कोना कोना प्रकृति के अनेकों रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ हर तरफ अविश्वसनीय दृश्य नजर आते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे, नदियाँ, जंगल, मछलियाँ, मेंढक, सांप, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि सभी अपने अनेकों रंग रूप और आकार के कारण हमें आश्चर्यचकित करते हैं। कहते हैं कि इस जंगल में ऐसे जीव जंतु या अन्य चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में इंसान जानता तक नहीं। यही वजह है कि इस जंगल में ज्यादा अंदर तक जाने के बारे में इंसान सोचता तक नहीं। इसी जंगल में मौजूद है एक ऐसी नदी जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। कहते हैं कि अगर इसके पानी में गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी मौत लगभग तय है। पेरू में मौजूद इस रहस्यमय नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। मयान तुयाकू नामक इस नदी की खोज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में आंद्रे रूजो ने बताया है। दरअसल बचपन से ही रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां सुन रखी थी जो उन्हें आश्चर्य से भर देती थी, लेकिन तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी नदी सच में होती है। जी हाँ, यह सच है। इस खौफनाक जगह के जीव जंतु की कहानी बहुत भयभीत करने वाली है। इस जंगल में पाए जाने वाली बुलेट एंट नाम की चींटी इतनी जहरीली है कि उसके डंक का एक वार किसी की भी जान ले सकता है। बुलेट एंट का डंक सचमुच बंदूक की गोली के समान घातक होता है, जिससे किसी की भी मौत हो सकती है। वैसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखने के बारे में कहा जाता है। अमेज़न जंगल में बड़े सांप मौजूद हैं, जिन्हें लोगों ने देखा है। अमेज़न जंगल के आदिवासियों की माने तो यहाँ विशालकाय सांपों का होना आम बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक के हो सकते हैं। पैसिफोसिट दक्षिण अमेरिकी खोजकर्ता ने अमेज़न जंगल में शोध करते हुए अपना जीवन बिता दिया। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का दावा भी किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसी रहस्यमय जीव देखे हैं जो चौंका देने वाले थे। साल 1990 में एक पादरी को 75 फीट लंबा सांप दिखा था। अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ आज भी अमेज़न जंगल में जिंदा हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेज़न के जंगलों में देखे गए जाइंट स्पाइडर के बारे में। हालांकि आप लोगों ने कई सारे हॉलीवुड फिल्मों में बड़े बड़े स्पाइडर को देखा होगा और असल जिंदगी में भी आप लोगों ने कुछ हद तक बड़े स्पाइडर को देखा होगा, लेकिन हम आपको एक हाथ जितने बड़े स्पाइडर नहीं बल्कि एक कुत्ते जितने बड़े स्पाइडर के बारे में बताने वाले हैं। अमेज़न के जंगलों के पास रहने वाले कई सारे निवासियों का यह दावा है कि उन्होंने वहां पर कुत्ते और बिल्ली के साइज के बड़े विशालकाय मकड़ी को देखा है, जिन्होंने कई बार उनके बच्चों को काट कर मौत के घाट भी उतारा है। अब दोस्तों, इसके बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है कि कितना बड़ा स्पाइडर होता भी है या नहीं।